हाँ बेटे, ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अपन चार काम कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं बेटा, कि जब ट्रेन आएगी ना, बेटा इसको चालू करो इधर से। हाँ बेटा ध्यान रखना कि मेरे हाथ कैमरा है, ट्रेन गिरे नहीं। तो क्या हुआ, गेट अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे गेट बंद हो गया ना, फिर ट्रेन जाएगी तो गेट वापस अपने आप चालू हो जाएगा। देखना, दोबारा देखना आप। और गेट वापस, रुक जाओ बेटा, पकड़ो बेटा, बंद कर लो ना इंजीनियर साहब। ठीक है, दूरी चीज इसमें क्या है बेटा, जब दो ट्रेन, रुक जाओ, जब दो ट्रेन आमने सामने आ जाएंगी ना, तो ये ट्रेन अपने अपने आप रुक जाएगी। अब ये सब होगा कैसे, ये अपन को जानना है। सबसे पहले अपन जानते हैं सामान कौन सा क्या क्या है। ये तो बेटा बीओ मोटर है। कौन सी मोटर है? बीओ, डीसी गियर मोटर है। ये अपनी एलसीडी है 16:2 की। ये अपना माइक्रो कंट्रोलर है, इस पर लिखा हुआ है AT A4 एप्पल वाला है, AT89C52। ये आपकी मोटर ड्राइवर आईसी है, इसका नाम है L293D। ये आपकी रेगुलेटर आईसी है, ये काली काली, इसका नाम है 7805। ये बजर है, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये आपके डायोड काले काले, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये ब्लैक ब्लैक है ना, ये LDR है, ये वाइट वाइट है, अल्ट्रा ब्राइट LED है, 9 वोल्ट की बैटरी है बेटे, रिले है, IC है, 358 स्विच है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ठीक है, बहुत आसान प्रोजेक्ट है बेटा ये। जब 9 वोल्ट सप्लाई चालू होती है ना, 9 वोल्ट सप्लाई जब चालू करते हैं तो क्या होता है, ये जिंदगी भर एयर में रेज छोड़ती रहती है, सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है उसे टकरा जाती है, टकराते वापस 90 डिग्री आ जाती है। क्यों? ये इन्फ्रारेड की प्रॉपर्टी है, ये वापस 90 मुड़ेगी, वो जिंदगी भर 90 90 मुड़ती रहेगी, टकराएगी, रिसीव हुआ, रिसीव होती IC को मिला, LM358 को, रिले को मिला, रिले ने इंजन को क्या कर दिया, बंद कर दिया बेटा, ऑफ कर दिया। ठीक है, और समस्या इस पर समझो पहले, कोई समस्या, चले आगे। ऐसे ही ये बहुत आसान प्रोजेक्ट है बेटा ये, क्योंकि प्रोजेक्ट में लोड ज़्यादा है इसलिए अपन ने ट्रांसफार्मर लगाया। AC 220 वोल्ट है, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कर देगा 12 वोल्ट AC में। चार डायोड क्या करेंगे बेटा, AC को DC में बदल देंगे। फिल्टर कैपेसिटर क्या करेगा, प्योर 12 वोल्ट DC में बना देगा। ये मोटर ड्राइवर है IC क्या करेगा, 12 वोल्ट पे वर्क करेगा। ये दोनों चीज़ 5 वोल्ट वर्क करेगा, इसलिए अपन ने IC लगाई 7805। ये 12 वोल्ट को 5 वोल्ट बदल देती है। 5 वोल्ट मिल गई, 12 वोल्ट मिल गई, माइक कंट्रोलर सब तैयार हो गए। इसकी रेज इस पर पड़नी चाहिए, जब आप ले जाएंगे तो मुड़ जाएंगे, तो डरना मत आप, अभी से फ्लेक्सिबल है, सीधे हो जाएंगे, आमने सामने होने चाहिए ये। ठीक है, ये दोनों आमने सामने होने चाहिए, वैसे वो दोनों आमने सामने होने चाहिए। कोई समस्या आ जाए तो घबराना मत, यहाँ पर एक बटन लगा हुआ रीसेट बटन, वो आप दबा लेना, वापस उसी स्टेट पर आ जाएगा जिस स्टेट पर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, रेज यहाँ से आई, यहाँ गई, बीच में कोई ऑब्स्टेकल आया, इसने सेंस करा, सेंस करके माइक कंट्रोलर में इंटरप्ट हुआ, माइक कंट्रोलर ने दिमाग उड़ाया, लेफ्ट है या राइट है, डिस्प्ले कर देगा, बजर को ऑन कर देगा ताकि लोगों को पता चल जाए गाड़ी। ठीक है, फिर क्या हुआ, मोटर ड्राइवर IC को सिग्नल देगा, गेट बंद हो जा, मोटर जब गाड़ी जाएगी तो मोटर सिग्नल देगा, गेट खुल जा। इसमें कोई समस्या, हाँ ये सामान आ गया, उसे बोलते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये क्या करता है, फिक्स फ्रिक्वेंसी करता है प्रोवाइड किसको, बैकर को, इसको बैक कंट्रोलर को। देखो कोई सामान रह गया गलती से आपका, साउंड सर नहीं आ रहा सर, मतलब साउंड आ रहा है ना बेटा, गाड़ी की साउंड है ना सर। हाँ मेरे कहने का मतलब